ओम नमः भगवते श्री पुरुषोत्तमाय बागार्थं विवसंप्रुक्तो बागार्थं प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। हे दिव्य आत्मन, सुंदर परिवेश भितरे गोटे नुआ अध्याय विश्वासर, आउ से विश्वासर नुआ अध्याय भितरे आम हुए तो श्रवण करवा दिव्यवाणी। आपण मान अशेष भल पाइबा को भित्तिभूमि कर ये दिव्यवाणी आग को बढ़ु था। से भावनार उचाट भितरे मनीष जीवन रे मनीष हुए तो एमती एक प्राणी बा एमती जीवजगतर सृष्टि एक सृष्टि नियामकर सृष्टि जहा हुए तो ता विवेक ता बुद्धि ता ज्ञान बल रे सर्वश्रेष्ठ। आउ से मनीष भितरे ए दिव्य ज्ञान को देखी भगवान भी मध्य आत्मसंतोष प्रकाश करिथिले बोली भागवतकार अति बड़ी जगन्नाथ दास कहंती, मनीष देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान, भगवान पाखे संतोषता आसला। आउ से दिव्य ज्ञानी मनीष पाखे गुड़े गुण थाए आ गुड़े अवगुण भी थाए, भल जिनसटा भल खराब जिनसटा खराब, ये हूँ दुनिया नियम। तेरे से भल गुण खराब गुण भितर मनीष जिते बड़ ज्ञानी हेले भी जदि ताखे अहंकार थाए गर्व थाए द्वेष थाए परश्रीकातरता थाए ये सब मनीष को निम्नगामी कराती। गोटाए गुण मनीष को सदा बेले ऊर्ध्वगामी कराए उच्च आकांक्षित कराए ता जीवन चलापथरे सबुबले पुष्पितार बाट आणिकरी दिए बा जीवन चलापथरा सदा सर्वदा कुसुमित होता है। ता जीवन रे सदा सर्वदा सुखर समृद्धि वार्ता प्रतिपादित हुए। से गुणटी कौन ना से गुणर ना हूँ नम्रता। नम्रता एमती एक गुण गोटे लोक जिते बड़ ज्ञानी हो गुणी हो जिते बड़ दानी हो जजन जाजन यज्ञ सबकि करू था किंतु जदि से नम्रता रूपक गुणटी पाखे ना तेरे कहीं तक आदर करते समस्ते कहते हैं अहंकारिया लोकटा। तर से ही भाव हुए तो तार सब प्रकार कार्य जिते भल कम करते भी से गुड़ाक गौण प्रतिपादित हुए। तेणु ये नम्रताटा हूँ यही गोटे गुण, ये नम्रता जो ना तार जिते गुण थे भी सब गुण असार हो जाए। तेणु से नम्रता को भित्तिभूमि कर आज हे तो आपन गोटे कहानी शुणी। कहानी भारतर धर्म संस्कृति निदर्शन परंपरार एक विशिष्ट ग्रंथ जहाँ ना हूँ रामायण। से रामायण चरित्र भितर गोटे चरित्र हूँ किए ना माँ सकल जगतर अन्नदात्री पड़िदात्री माँ गोविंदांग बिहारिणी जनक राजनंदिनी जानकी पार्थवी सीता। से सीतांग पाखरे ये नम्रता गुणटी एत सुंदर भाव प्रतिपादित हो सीतांगर कहानी आज आपण को कह सेते बड़ को हुए तो माँ सीता निर्वासिता। निर्वासिता कहिले भगवान रामचंद्र करुणा वरुणालय दशरथ नंदन कौशल्यार प्राणधन कैकेयी जीवजीवन सुमित्रा नयनधन। राघवेन्द्र सरकार रामचंद्र हुए तो राज्य परिभ्रमण कला बेले गोटे साधारण कथा गोटे साधारण नागरिक कलित करला को शुणिकी माँ को निर्वासन दंड देदेले तमें रावण घरे थिलो सीता तेणु तुम आउ अयोध्यार रही पारनी तुम देह हुए तो तुम शरीर हुए तो कलंकर चित्र लगी। प्रभु राम को सब जाना था माँ सीता सब जानी थे कहीं भगवान जिते कौन अछपा था कितु ये राम पाखे जो गुण था आम हूत अगर एक अध्याय आलोचना करवा आज नम्रता गुण माँ सीता शिखा विशेषकर जो माँ मैंने देखुं जो भारतीय नारी मैंने दर्शन करें ये गोटे दिव्यवाणी। माँ सीता निर्वासिता हला बेले जाकि रहिले कौटी ना बाल्मीकि आश्रम बाल्मीकि आश्रम माँ सीता रहिला बेल को सेते बेले सीता हूँ अंतसत्वा गर्भवती गर्भरे संतान बढ़ुची। माँ सीता मन दुखरे मन भितर आनंद सेमती के बाल्मीकि देखी नहांती
अनेक चेष्टा करती वाल्मीकि सीता मन में आनंद आणवाई सखी सहचरी मानू निर्देश दे था जो ऋषिकन्या मैंने था सब बड़े सीता पार्श्वर रनरे आनंद भरीदेव निरानंद भरवि कहीं अंतसत्वा नारी निरानंद रहा ठीक नुह जहा हो माँ तो निजे गोविंदा बिहारिणी तेणु ताखे ये आनंद निरानंदर मूल्य किसी न थाए माँ सीता वाल्मीकि आश्रम कालातिपात करूँ दिनकर कथा माँ सका सका बाहरी गले कौटी की ना वाल्मीकि आश्रम निकटर हो तमसा नदी पाखक माँ चलीगले हूँ तो स्नान करने को जाल्मीकि किसी समय भाविले पुणी परे परे भाविले कहले एकुटिया गला क्या डाकिलानी डाकिले अनुकंपा 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 होची वाल्मीकि ऋषि आश्रम जड़े ऋषिकन्या दौड़ी आसला अनुकंपा कहले अनुकंपा गलु गलु माँ मोर गला एकुटिया नदी पाखक जा देखू जा अनुकंपा दौड़ी आसला अनुकंपा जोबले दौड़ आसला देखला तमसा नदी कूल माँ जगत जननी कृपामयी बात्सल्यमयी करुणामयी माँ सीता गोटे बालुका शिल्पी आकृति बालुका शिल्पटे याम प्रतिमूर्ति बाली आज जो बालुका शिल्पी मैंने हूँ तो समुद्र बेलाभूमि बालुकारे तैयारी प्रतिमूर्ति से बालुका शिल्पकला आम संस्कृति अनेक दिन रु अच्छी आज नुह तेणु से बालुका राशि राम प्रतिमूर्ति आंकी सरासन परिहित रामचंद्र भगवान ढड़ा चित्र निर्देशित माँ का आखिर धारधार कर लुह गड़ू माँ बसिक लुह गड़ अनुकंपा दौड़ कर आसला देखला कहला माँ तमें सती ना असती पचारा माँ सीता टी हसीदे आखिर जो लुह टुपा गड़ूला लुह को पोछीदे हसीदे कहला अनुकंपा एम प्रश्न पचार ना माँ तमें जदि सती तमें कांदुच कहीं कहीं कांदुच तम पति हूत जड़े प्रजावत्सल रजा नुहंती पाखे धर्मर न्यायर ज्ञान ना यथा कही न कही माँ सीता ठाकुरानी हाथ ठाड़ दे कह अनुकंपा चुप कर चुप कर कहला कौन चुप करी कहले या हूँ कथा मो पति निंदा देना कहले कहीं आपण पति कौन जान ना आप अंतसत्वा बोली आपण किसी दोष ना बोली आप निष्कलंग बोली आपत तो अग्नि परीक्षा दे सारी पुणी कहीं आपण को विदा करदे माँ देख पति पत्नी संपर्कटा प्रेमटा केमिका एथपाई मुझे जड़े उत्कलीय कवि द्वितीय भंज बोल कहुए गोटे कविता शुणी कहले मातृ पितृ भ्रातृ सखादि प्रेम प्रेमयर लीलारु जन्म सहधर्मिणीर मधुर प्रेम जगते ताहाकु सही उपम कहले समस्त भितर प्रेम भावना थाए माँ पुअरे प्रेम थाए पिता मातारे प्रेम थाए सब भितर प्रेम थाए गुरु शिष्य प्रेम थाए ये सब भितर प्रेम थाए कि ये प्रेम जाचना थाए गुरु शिष्यर प्रेम थे कौन हम ना गुरु पाखर विद्या आहरण कर भ्रातारे प्रेम भाई भाई प्रेम थे कौन हम ना संपत्ति हूँ तो भागवंटा होगा बेटे अधिका मिल ये सब थे जाचना थाए किंतु सहधर्मिणी मधुर प्रेम ये सीता होती सहधर्मिणी माँ जगत में जिते नारी श्रवण करुच समस्ते हूँ जड़े जड़े सहधर्मिणी तेणु सहधर्मिणी मधुर प्रेम सहधर्मिणी प्रेम भितर जाचना न थाए ता प्रेम भितर के वस्तुवादिता न थाए आज हूँ तो समाज में से वस्तुवादिता ग्रासी बोली बा सहधर्मिणी माने आज निजको अलग मन करुंटी हे तो समाज आज विशृंखलित होती देखु सीता जीवन गोटे शिक्षा लाभ करतु से दिन सहधर्मिणी बतई दे सीता कहले मो पति के तो निंदा दबुनि कहला कहीं निंदा देवी कहला निंदा यही दबुनि तर कि भूल ना निर्वासन हुए तो मो कर्म लेखा मो भाग्य लेखा मु निर्वासन आसीच्छे तू कौन भाविचु मो पति मु आखिर लुह गड़ी कहले ना ना कहला कहले शुण निर्वासनटा हो मोर निर्वासन ये प्रकृतिर तोष स्वामी व्रत ही संपूर्ण निर्दोष गंगाधर बेहर लेखा कहले ये प्रकृतिर जाचना हुए तो विधि निर्देश थी से विधि निर्देश बल पुणी वनगमन करूँ
ଆଉ ସେଇ ବିଧିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବଳରେ ହୁଏତ ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଆଜି ନିର୍ବାସିତା ହେଇଛି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି। ଏହା ମୋର ପତିଙ୍କର ଦୋଷ ନୁହଁ। ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଅଛି ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ତାର ଦୋଷ କ'ଣ? ସେ ହୁଏତ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ରାଜଶଯ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତା, ତୋଳିତଳ୍ପ ଶଯ୍ୟା ଭିତରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ନେଇଥାନ୍ତା, ବୁଲିଥାନ୍ତା। ଆଜି ହୁଏତ ସେଇଟା ତାକୁ ମିଳିବନି ବୋଲି ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ। ଅନୁକମ୍ପାକୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବାଟ ମିଳିଗଲା, କହିଲା ତେବେ ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ପତି କ'ଣ ସେ କଥାଟା ଜାଣିନଥିଲେ? ତୁମକୁ ଜାଣିକରି ବି ତୁମେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ନିର୍ବାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲା ତୁ ଏଇ କଥା ଭାବୁଛି କି? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଅନୁକମ୍ପା, ଆରେ ଅନୁକମ୍ପା ଶୁଣୁ, ଗିରି ଅଙ୍କେ ହୁଏ ସିନା ବଜ୍ର ପ୍ରହାର, ଗିରି ଦେଖିଛୁ, ପାହାଡ଼ ଦେଖିଛୁ, ପାହାଡ଼ରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର ହୁଏ, ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ମାରେ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପଡ଼େ ପାହାଡ଼ ଉପରେ, ପାହାଡ଼ର କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏନି। ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପଥର ଖସି ଆସେ, ପଥର ଖସି ଆସିଲେ କାହାର କ୍ଷତି ହୁଏ ଜାଣିଛୁ? ସେ ଯେଉଁ ଗିରି ବା ପାହାଡ଼ ତଳେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ଜନଜାତିମାନେ ଥାନ୍ତି ବା ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଦିବାସୀ କହୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ଘର ଉପରେ ପଡ଼େ ନହେଲେ କାହା ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ର କ'ଣ କ୍ଷତି ହୁଏ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣ ଅନୁକମ୍ପା, ଇନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ବଜ୍ର ମାରେ ସେଥିରେ ପଥର ଖସେ, ପର୍ବତର କ୍ଷତି ହୁଏନି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ପର୍ବତ, ଆଉ ଇଏ ନିର୍ବାସନଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଜ୍ର, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯାହା କ୍ଷତି ତାଙ୍କର ମୋର। ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗିରିବାସୀ ମୋ ସନ୍ତାନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଗିରିବାସୀ, ଏମାନେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ଏମାନେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଇବେ? ଏଇଥିପାଇଁ ସିନା ମୋ ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଛି ଅନୁକମ୍ପା, ନହେଲେ ଆଉ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଏତିକି କଥା କହିଦେଇ ମା' ସୀତା ସେଦିନ ଓଢ଼ଣାକୁ ହାତେ ଟାଣିଦେଇ ଅବଗୁଣ୍ଠନମତୀ, କେବେ ବି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସୀତା ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିନଥିବେ, ସେ ଓଢ଼ଣା କେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଖସିଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛି ନାରୀର ଭୂଷଣ, କାହିଁକିନା ନମ୍ରତା ସୀତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ର, ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଆଜିକାଲିକା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଆମେ ସହଧର୍ମିଣୀ ବୋଲି କହିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ କଥା ପଡ଼ିଲେ, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା, ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନିନ୍ଦା ନହେଲେ ବାପ ଘର ନିନ୍ଦା। ତେଣୁ ଏସବୁ କରନ୍ତୁନି, ନିଜ ଭିତରେ ଏ ସୀତାଙ୍କ ପରି ସହନଶୀଳତା ବା ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ରତା ଏମିତି ଏକ ବିଶେଷ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅନେକ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଦେବ। ଆଉ ଏଇ ନମ୍ରତା ଗୁଣ ଯଦି ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମା' ସୀତା ଭଳି କାଳଜୟୀ କରିବ। ଯଦି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନମ୍ରତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଜ୍ଞାନୀ କରାଇବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ, ଜ୍ଞାନର ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବ, ଧନ ଧାନ୍ୟ ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଗୁଣ, ତେଣୁ ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଗୁଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତିଳକ ସଦୃଶ, ତିଳକ କହିଲେ ଚନ୍ଦନ ସଦୃଶ, ଆପଣମାନେ ଚନ୍ଦନ ସହିତ ଏ ଗୁଣଟିକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ। ସଦାସର୍ବଦା ମନକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ, ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଭଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଏ ହେଉଛି ସନ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ଇଏ ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ ସଦାସର୍ବଦା ମନରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ନମ୍ରତା ବଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେଉ, ଜୀବନର ଫୁଲ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରୁଥାଉ। ଆଉ ସଦାସର୍ବଦା ନମ୍ର ଭାବରେ ରହିଲେ ସେ ନମ୍ରତାର ଗୁଣ ବଳରେ ଆପଣ ଯେ ଜଗତଜୟୀ ହେବେ, ଏକଥା କେବେ ହେଲେ ବିରକ୍ତି ନୁହେଁ ବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇ ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଉ, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବିରାଜୁଥାଉ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲାବେଳେ ସେ ଗୁଣଟି ବା ଦିବ୍ୟବାଣୀର ଆଜି ଯେଉଁ ଗୁଣର କଥା କହୁଥିଲେ, ଏ ଗୁଣ ହେଉଛି ନମ୍ରତା। ଏ ଦିବ୍ୟବାଣୀ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମୟର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଇଠୁ ବିରାମ ଦେବାର ସମୟ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ଦିବ୍ୟବାଣୀକୁ ଏଇଠୁ ବିରାମ ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ରଖୁଛୁ, ଏ ଗୁଣଟି ଯେଉଁ ନମ୍ରତା ଗୁଣର କଥା କହିଲୁ, ସେ ନମ୍ରତା ଗୁଣକୁ ଆପଣମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନ ସୁକୁମଳ ହେବ, ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହେବ, ଆଉ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ଭରିଯିବ।